ओके गाइस, ये हमारा पहला टॉपिक है, ठीक है, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, ठीक है ना। तो ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसको आपने नोट कर लेना है। तो करंट डेंसिटी सबसे पहले, इट इज़ डिनोटेड बाय जे, और जे का फॉर्मूला होता है आई अपोन ए। तो आप डेफिनेशन में क्या लिखोगे, अभी मैं बोल रहा हूँ डेफिनेशन लिख लो। इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज़ द रेशियो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। और करंट डेंसिटी जो है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, यह जो है आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है ना, ये ध्यान में रखना है। कभी कभार पूछ लेते हैं कि स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है, तो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो आई का फॉर्मूला कितना होता है, आई का फॉर्मूला होता है एन ई ए वी डी, ठीक है, ये तो वी के पावर में डी है, ये ध्यान रखना है, वी के पावर में डी है। तो जे का आ गया आई अपॉन ए, तो आई की वैल्यू होगी एन ई ए वी डी, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया ए, ए से ए कट गया, तो जे की वैल्यू आ गई एन ई वी डी। तो यहाँ से ये याद कर लो, जे की वैल्यू आ गई आपकी एन ई वी डी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंडक्टेंस, कंडक्टेंस डिनोटेड बाय जी, इट इज़ द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इनवर्स है बस, ठीक है, केमिस्ट्री में भी यही है और फिजिक्स में भी यही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इट इज़ डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है, सिग्मा से डिनोट करते हैं, इट इज़ इक्वल टू वन अपॉन रेजिस्टिविटी, वन अपॉन रजिस्टिविटी, ठीक है। तो ये आ गया वन अपॉन रजिस्टिविटी होता है रो। अब रो के यूनिट्स आपको पता ही है, रो के यूनिट्स क्या होते हैं, रो के यूनिट्स होते हैं ओम मीटर, तो कंडक्टिविटी के हो गए पर ओम पर मीटर। तो पर ओम को हम बोलते हैं साइमन, ठीक है, पर ओम को क्या बोलते हैं साइमन। तो ये आ गया साइमन और पर मीटर, ये आ गए यूनिट्स आ गए कंडक्टिविटी के, ठीक है। कभी कभार हमें डायमेंशन भी पूछ लेते हैं कंडक्टिविटी की, तो डायमेंशंस भी कर लेते हैं हम, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टिविटी, ठीक है। तो कैसे है डायमेंशंस कैसे निकालोगे, सिग्मा का फॉर्मूला होता है वन अपॉन रो, और रो का फॉर्मूला होता है एम बाय एन ई स्क्वायर टाओ। तो ये ऊपर चला गया एन ई स्क्वायर टाओ अपॉन एम, एन क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम है ये, पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब हो गया एल की पावर -3, वन बाय वॉल्यूम है। और ये क्यू है, क्यू का फॉर्मूला होता है ए टी का स्क्वायर, और ये टाइम है, टाइम का तो टी होता है, और एम का हो गया एम, तो एम ऊपर आके क्या हो गया एम -1, और ये एल -3, और टी की पावर 3, और ए की पावर 2, ठीक है, टी की पावर 3 और ए की पावर 2। तो ये आ गया हमारा डायमेंशन, ये हो गया डायमेंशन, ये हो गया इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ये हो गया कंडक्टेंस, और ये हो गया ये। तो वीडियो को पॉज करो और साथ साथ में नोट कर लो, क्योंकि साथ साथ में नोट करोगे तो आपको समझ आता रहेगा कि क्या क्या है, और पॉज करके आप इसको रिवाइंड भी कर सकते हो कि कहाँ पे क्या रह गया, ठीक है। दिस इज़ पेज नंबर 1, ओके, चलो आगे चलते हैं हम।